हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ के लिए कुछ बेस्ट जो स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप गेम खेलते हैं तो गेमर के लिए कुछ बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, प्लस आप नॉर्मल अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए, तो मैं जो अच्छा बेस्ट जो स्क्रीन रिकॉर्डर्स है मैं एक दो के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। उसमें से आपको जो पसंद आए, जो आपके लिए सुटेबल हो, वो आप आराम से अपने वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष आर्यन और आप देख रहे हैं T4Tech। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्क्रीन रिकॉर्डर है वो है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसके अंदर आप इजीली हर कुछ का रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है। आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ से रेजोल्यूशन इसका, तो इसका पे इस पर रेजोल्यूशन आप मैक्सिमम 1080 तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी आप यहाँ से, ये वीडियो क्वालिटी ऑटो पे है, ऑटो पे ही रहने देंगे आप। फ्रेम रेट इसका ऑटो पे रहता है, ऑटो पे रहने देंगे। आपके मोबाइल का जो स्पीड होगा उसके हिसाब से ये रिकॉर्ड करेगा, हर कुछ ऑटोमेटिकली लेगा। यहाँ आप ऑडियो पे देख सकते हैं, इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन। तो ये इंटरनल ऑडियो भी रिकॉर्ड करेगा, माइक्रोफोन भी रिकॉर्ड करेगा, बट कभी कभी ये इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं करता है, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें सारा फीचर्स है। आप रिकॉर्ड मोड को एडवांस कर दीजिएगा तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड होगा। यूज़ मैजिक बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से एक बटन खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, कट काउंटडाउन है, इसका काउंटडाउन आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे वीडियो पे टैप करेंगे ये काउंटडाउन स्टार्ट नहीं करेगा अगर काउंटडाउन सेट नहीं रहेगा तो। उसके बाद इसमें ब्रश का फीचर्स है, जिस आप इसको और ओपन रखेंगे तो आपको साइड में इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ब्रश है ये रहा, तो इसे आप अगर ऑन करके रखेंगे तो ये ब्रश दिखेगा। ब्रश आपको कोई चीज़ हाईलाइट करना हो तो उसके लिए ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 100 touches का ऑप्शन है, तो 100 touches ये सेटिंग से जाके 100 touches आपको ऑन करना पड़ेगा। आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से 100 touches ऑन कर लेंगे। अगर आपको 100 touches ऑन करना नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि आप डेवलपर मोड कैसे ऑन कर सकते हैं और उसके अंदर आप हर कुछ किस तरह से सेटिंग्स ऑन कर सकते हैं। तो ये ऐप का कुछ इतना फीचर्स है। अगर आपको इससे भी बेटर क्वालिटी चाहिए तो आपको एक दूसरे ऐप पर जाना पड़ेगा, तो मैं उसको भी उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब जब तक के लिए इसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ इस वक्त, तो इसलिए अभी मैं इसका और ज़्यादा सेटिंग आपको नहीं दिखा सकता, तो मैं दूसरे वाले पर चलता हूँ। ये एक और स्क्रीन रिकॉर्डर है मेरे पास जिसका नाम है G-Lip। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लिप नाम है इसका। इस पर हम खोल लेते हैं तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप जैसे ही इसको खोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक आप यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं, गेम खेल के पैसे भी कमा सकते हैं, तो यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम तो स्क्रीन रिकॉर्डर बता रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड का आपको बताता हूँ। आप यहाँ से रिकॉर्ड पर जाएंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन है। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है और उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो स्टार्ट रिकॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो उसको ये आपको डायरेक्ट सेटिंग पर ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह का मोड दिया हुआ है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, एक स्टैंडर्ड फुल रिकॉर्डर है और एक रिप्ले लास्ट 60 सेकेंड है। तो आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, लाइक स्टैंडर्ड फुल रिकॉर्डर तो वो होता है जिससे आप नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट कर दीजिए, बैकग्राउंड में वो स्क्रीन रिकॉर्ड आपका करता ही रहेगा। और ये रिप्ले है, इसका आपका फीचर्स क्या मिलता है। रिप्ले का फीचर्स ये है कि अगर आप गेम खेल रहे हैं और आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं उस वक्त, तो अगर आपका ये ऑन रहता है तो आपको वहाँ पर एक बटन शो करेगा। जब आप गेम खेलेंगे तो वहाँ पर एक बटन शो करेगा, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, आप जो लास्ट 60 सेकेंड में गेम खेले हैं, अगर आपने 4 किल किया है या फिर एक्स्ट्रा कुछ कर लिया है, वो आपको रिकॉर्ड करना है। आपने रिकॉर्ड नहीं किया था तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वो पिछला 60 सेकंड का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसमें ये एक अच्छा फीचर्स है जो आप अगर गेम खेलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे सेटिंग्स देख सकते हैं इसका। वीडियो सेटिंग में आप यहाँ पर जाएंगे तो 4K तक का रिकॉर्ड करता है, बट 4K हर फ़ोन पर सपोर्टेड नहीं होता। मेरे डिस्प्ले पर 4K सपोर्ट है तो 4K शो कर रहा है। आप इसको 1080 तक ही सेट करके रखें और उसके बाद आपका FPS इसका देख सकते हैं, 30 FPS भी है, 45 भी है और 60 भी है। 60 तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बीट रेट 12 तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपका कस्टम सेटिंग है। अगर आप यहाँ से आप क्वालिटी यहाँ से भी ले सकते हैं, लो क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी और हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी में भी अगर हम यहाँ जाते हैं इनके हिसाब से ये 720p ही बताता है। तो आप यहाँ से 1080 का कस्टम करके 1080 कर सकते हैं
और FPS आपको जो रखना है आपको 60 रख सकते हैं, और बिटरेट 12 रखना है तो 12 रख सकते हैं। इस तरह से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑडियो सेटिंग में आप देख सकते हैं इन गेम ऑडियो एंड माइक्रोफोन दोनों का ऑप्शन है, आप इसे ऑन कर लीजिए। और इन गेम रिकॉर्ड आपका तभी इसमें सपोर्ट करेगा जब आपका एंड्रॉयड 10 हो या एंड्रॉयड 10 से एवब, तभी सपोर्ट करेगा। अगर आपका एंड्रॉयड 10 से कम एंड्रॉयड 9 है तो आपका ये इन गेम वाला साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो आप उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं लोकेशन सेव करने का ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद कैमरा सो कैमरा ओवरले, आप जब इससे रिकॉर्ड करें इसे अगर ऑन रखेंगे तो आपका कैमरा भी साथ साथ चल रहा होगा। और हाइड रिकॉर्डिंग आइकॉन पे आप क्लिक कर देंगे तो आप जब रिकॉर्ड हो रहा होगा आपका तो वो आइकॉन वहाँ पे शो नहीं होगा, उसका आइकॉन वहाँ से हट जाएगा, वाटरमार्क जो रहता है वो हट जाएगा। सेल्फ स्टार्ट ऑन गेम लॉन्च का ऑप्शन है इसमें, आप इसे अगर ऑन करके रखते हैं, इस ऑप्शन को अगर ऑन करेंगे तो आपका वो जब भी आप गेम खेलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गेम को रिकॉर्ड कर लेगा, आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा और सेंस करके रिकॉर्ड स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे आप आइएगा तो फिक्स टीममेट नॉट एबल टू हियर यू, यानी कि अगर आपका टीममेट आपका आवाज़ नहीं सुन पा रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से एक ऑप्शन इसका होता है उसे ऑन करेंगे तो उस तरह से उसका वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जिलिप है, हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके ये ऑफ है तो इसे हम ऑन कर देंगे, यहाँ से अलाउ कर देंगे, उसके बाद हम बैक कर लेते हैं। तो अब जो आपका इन गेम में अगर साउंड रिकॉर्ड ना ही नहीं हो रहा होगा तो वो अब आराम से रिकॉर्ड होगा। और ये हमारा सेल्फ स्टार्ट ऑन गेम लॉन्च ऑन हो गया है, तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ, मुझे अभी फिलहाल ज़रूरी नहीं है। और स्टैंडर्ड में भी वही सेम टू सेम सेटिंग है आप देख सकते हैं, और रिप्ले में भी सेम सेटिंग है। अब यहाँ से लैंडस्केप में आपको रिकॉर्ड करना है या पोर्ट्रेट में, आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैनुअली यही हमेशा यही रहता है, आप यही रहने देंगे। ये इसका कुछ फीचर्स था, आपने देख लिया इसका कितना अच्छा फीचर्स है सब देख लिया। इसके अलावा आप इससे स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं इजीली। अगर आपको इसमें भी एक समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर और भी डिटेल से वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ में आए। आप एक बार इसे ज़रूर यूज़ करके देखें, अगर आप गेम खेलते हैं, आप गेमर हैं, तो आपके लिए ये वाला एप्लीकेशन मोस्टली बहुत ही अच्छा है। आप इससे इंटरनल साउंड इजीली रिकॉर्ड कर सकेंगे और अपना माइक भी रिकॉर्ड कर सकेंगे, और बहुत अच्छा क्वालिटी में रिकॉर्ड होता है, 60 FPS बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत। I'm not the best.